हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। आखिर कॉस्ट अकाउंटेंसी होता क्या है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। बिकॉज कॉस्ट अकाउंटेंसी हम बार बार यूज करेंगे और आपको पता होना चाहिए कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है। तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों के बारे में बात करता है। प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक टू द साइंस, आर्ट्स एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड द असेसमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इट इंक्लूड presentation of information derived therefrom for the purpose of managerial decision making. Thus, cost accountancy is the science, art and practice of a cost accountant. अब ये साइंस एंड आर्ट्स क्या है? देखो, साइंस क्या होता है, साइंस किसी भी वर्क के पीछे कोई कॉज एंड इफेक्ट हो तो साइंस बोला जाता है। सपोज अब आप किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो, तो उसमें वेरियस एलिमेंट को आप इंक्लूड करते हो, तो उससे क्या हुआ, उसके पीछे एक वैलिड रीजन है। साइंस में भी क्या होता है, एक वैलिड रीजन होता है। आखिर पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो उसके पीछे का रीजन है, बिकॉज ग्रेविटी फोर्स उसको फोर्स करती है कि आप पेड़ से जब भी पत्ते टूटे तो जमीन पे ही गिरे। सेम लाइक दिस कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हर एक चीज के पीछे हर एक ना एक वैलिड रीजन है। विदाउट किसी वैलिड रीजन के कुछ चीज होती नहीं है। एंड ये आर्ट्स, आर्ट कैसे है, आर्ट में क्या होता है, आर्ट में हम एप्लीकेशन करते हैं किसी भी टेक्निक को। जैसे जब आप डांस सीखते हो तो डांस किस तरीके से सीखते हो, आप उसको अप्लाई करके सीखते हो। सिंगिंग क्या है, एक एप्लीकेशन है। ड्राइंग क्या है, एक एप्लीकेशन है। पेंटिंग क्या है, एक एप्लीकेशन है। सेम लाइक दिस कॉस्ट अकाउंटिंग भी साइंस भी है और ये आर्ट्स भी है। साइंस क्या है, इसके पीछे वैलिड लॉजिक्स है, रीजंस है। आर्ट्स क्या है, इसको अप्लाई करना एक अपने आप में एक आर्ट है। हर कोई कॉस्ट अकाउंटिंग को अप्लाई नहीं कर सकता। किस सेक्टर में कौन सी कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड लगने चाहिए, ये डिसाइड करना एक आर्ट है। तो ये सारी चीजें आप वन बाय वन धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। आपको इस वीडियो में बस ये याद रखना है कि कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। कॉस्ट अकाउंटेंसी कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को अगर हम इंक्लूड कर दें तो हमारा क्या बनता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। यानी अगर मैं सिंपल बोलूँ तो जस्ट लाइक कॉस्ट अकाउंटेंसी हमारा एक ग्लोब है एंड इसके दो पार्ट है, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग के एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स एंड मेथड को हम अप्लाई करेंगे एंड जिससे हम किसी कंपनी के कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। होप तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मालूम चला होगा कि कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। एंड आफ्टर डेट अब आप बार बार सेम वर्ड आप बार बार रिपीट नहीं करोगे। जैसे बच्चे करते क्या है कि उन्हें कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी में डिफरेंस नहीं मालूम चलता है। बट आपने ये पिछले 3-4 वीडियोज अगर आपने देखा तो आपको शायद मालूम चल गया होगा कि कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। एंड आफ्टर अब आप किसी को आप बता सकते हो कि तीनों टर्म अलग अलग है, आप तीनों को एक साथ या इंटरचेंजेबल आप यूज नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।